हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल बडी। आज हम लोग सेक्शन 32 पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो एक अच्छा डिफेंस बनता है क्रिमिनल डिफेंस में, क्रिमिनल ट्रायल में एक अच्छा डिफेंस बनता है। सेक्शन 32 क्या कहता है? एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स व्हिच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज अप्रिहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये है सेक्शन 32 का पहला पार्ट। कहता है कि भाई अगर आप से कोई ऑफेंस हो गया है और उस ऑफेंस आप से करवाया गया है, या तो थ्रेट देखे, ठीक है, आपसे थ्रेट दिया गया कि भाई ये ऑफेंस करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है, तब आपने अगर कोई ऑफेंस कर दिया है तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इस थ्रेट में आके मर्डर कर दिया है या कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है जिसमें डेथ की पनिशमेंट है, तब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक। अब ये था पहला क्लॉज। पहला क्लॉज ये है, फिर से मैं बता देता हूं आसान लैंग्वेज में। अगर आप किसी थ्रेट में आके कोई ऑफेंस कर देते हो, ठीक, थ्रेट समझो, थ्रेट यहाँ पे थ्रेट जो है वो डेथ की बात हो रही है। अगर आपको कोई कह देता है कि ये काम, ये तुम उस आदमी को जाके उस आदमी के घर से चोरी कराओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो भाई ये आप चोरी करके आ सकते हो, ये एक डिफेंस है। लेकिन आपसे कोई कह देता है कि आप जाके उसका मर्डर कर दो या कोई ऐसा ऑफेंस कर दो जिसकी सजा डेथ है, तो आप नहीं करेंगे। अगर आपने कर दिया तो आपके पास ये डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक। इसका प्रोविजो क्या कहता है पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन अ सिचुएशन बाय व्हिच ही बिकम्स सब्जेक्ट टू सच कंस्ट्रेंट, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप खुद उस सिचुएशन में जाके खुद ही जाते हैं, कोई आपको थ्रेट दे, तब आप इस डिफेंस को नहीं क्लेम कर पाएंगे, ठीक है ना। ये इसका प्रोविजो कहता है। आगे पढ़ते हैं। Explanation one: A person who, of his own accord, or by reason of threat of being beaten, joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of their exception on the ground that he has been compelled by his associates to do anything. अब भाई ठीक है, अब आप जाते हो, आपका कहीं पे कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है या घर में बैठ के कुछ काम नहीं चल रहा है, अब आपको कमाई खानी है, कुछ करना है, पैसा कमाना है, तो आपने गैंग ऑफ डकैतों का गैंग ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये 5-7 लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है, इनका गैंग ज्वाइन कर लिया, आपने सोचा आप गुंडा बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप गुंडा बन गए, ये आप हैं छोटे से, ठीक है, आप गुंडा बन गए। इन गुंडों ने कहा कि भाई इस आदमी को, ये बहुत बड़ा नगर सेठ है, इसको जाके मारो जाके, तो आप गए इसका गला काट दिए जाके। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि भैया इन गुंडों ने, डकैतों ने हमसे कहा था कि इसको जाके मारो इसलिए मैंने मार दिया, ठीक है, या आप या आपसे कहा गया कि जाओ इस नगर सेठ के घर में चोरी कराओ जाके, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमको तो भाई डेथ थ्रेट दिया गया, डकैतों ने थ्रेट दिया कि भाई इसका सारा पैसा, इसके सारे डॉलर जो जमा पूंजी वाले हैं बिना जीएसटी जमा, जिसको उसने जीएसटी नहीं दिया था, ये सारा पैसा चोरी कर लो, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक। ये था पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू अ थिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ फॉर एग्जांपल इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर आप ने विलफुली इनके गैंग को नहीं ज्वाइन करा है, अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकैट्स, ठीक है, आप विलफुली इनके यहाँ नहीं गए, आपको फोर्सफुली डकैत यहाँ उठा लाए थे, फिर आपसे कहा गया कि जाके कोई जाके ऑफेंस करो जाके, ठीक है, तब आपके पास ये डिफेंस अवेलेबल है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू जो है एक्सप्लेनेशन वन का ही एक एक्सेप्शन है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है इससे, ठीक है। तो ये था सेक्शन हमारा 32, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे एक्सप्लेनेशन वन से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसको मार्क कर लीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड। और मैं एक ऑफलाइन कोचिंग भी चलाता हूँ, तो अगर आपको इन डिटेल विद केस लॉज अगर पढ़ाई करनी है तो यू कैन मेल मी योर क्वेरीज एट योर लीगल बडी 09। I will write this email in the description box. आप वहां जाके मेरे से contact कर सकते हो। Thank you for watching and have a good day.